हर हर महादेव एवरीवन, जय सियाराम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन। आप 12 राशि वालों के लिए, उसके पहले चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। आज 27 मार्च है, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि है, शाम को 5:57 पर रोहिणी नक्षत्र है 3:27 तक दोपहर में, और चंद्रमा आज वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। राहु काल का समय 8:09 से लेकर के 9:41 का सुबह का समय है। राहु काल में ना ही कोई आप जरूरी यात्रा करेंगे, ना ही कोई शुभ काम करेंगे। आज एक बहुत ही अशुभ योग का निर्माण हो रहा है, मधुसर्पिस योग, जो कि दोपहर में 3:27 से 5:27 तक है। इसका अर्थ होता है कि इस योग का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आपने मधु लिया और मधु में किसी ने विष मिला दिया, वो मधु क्या आप खा सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार से ये योग का निर्माण होता है जब कुछ तिथि, वार और नक्षत्र आते हैं एक ही दिन आ जाए ये सारी चीजें, तो एक टाइप का इन ऑस्पिशियस योग का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं आप सभी को चाहिए इस अवधि में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। चर्चा करते हैं आज के गुड लक टिप की। आप सबको पता है नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रि का छठा दिन है माता कात्यायनी का। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप अविवाहित पुरुषों को, महिलाओं को चाहिए कि वो आज के दिन माता कात्यायनी की गोधूली बेजला में पूजा करें। गोधूली मेला मतलब सनसेट का टाइम, सूर्यास्त का समय 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का, मीन्स 1.5 घंटे का समय होता है, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। इसके पीछे बहुत सुंदर सी कथा आती है माता कात्यायनी की पूजा के पीछे। जो गोपियां थी उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, तो तब से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी कन्या माता कात्यायनी की पूजा करती हैं उनके विवाह में आने वाली अड़चने दूर हो जाती हैं। कंप्लीट डिटेल के लिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जहां आपको मंत्र भी मिल जाएगा शीघ्र विवाह का। आप मेरे भाई बहन दोनों के लिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगी अलग अलग से, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें कि आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, किस विधि से जाप करना है, वहां कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। आज के गुड लक टिप की बात करते हैं। सोमवार का दिन है, आप सभी को चाहिए कि आप, यदि आप चाहते हैं आपके रिश्ते में मधुरता आ जाए, किसी रिश्ते को बनाना चाहते हैं, तो आज भोले बाबा का मधु से आप अवश्य ही अभिषेक करें, मधु ले लें और मंदिर में जाके शिवलिंग का अभिषेक करें और बाबा से अपनी प्रार्थना करें मन की। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब चर्चा करते हैं 12 राशि वालों के राशि फल की। इसके पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। आज शुक्र और राहु मेष राशि में है, चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, मंगल मिथुन राशि में स्थित है, केतु तुला राशि में स्थित है, शनिदेव स्वग्रही है स्वयं की राशि में स्थित है कुंभ राशि में, गुरुदेव खुद की राशि में स्थित है मीन राशि में, वहीं पर सूर्य और बुध भी साथ में उनके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज आप अपने बोलने की कला से, अपने बोलने की मधुरता से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने रुके हुए कामों को बना रहे हैं। आज आपके परिवार का साथ आपको मिल रहा है, माता जी आपकी आपको कोई गिफ्ट कर सकती है। माता आपकी माता का स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। प्रेम संबंधों में कुछ अड़चन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपकी कहासुनी हो सकती है अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में। घूमने फिरने जाने का बहुत सुंदर योग बना हुआ है, विदेश यात्रा के योग भी बने हुए हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आज बिजनेस में आपको लाभ के योग बने हुए हैं, परंतु कोई भी पेपर साइन करने से पहले बहुत ध्यान से उसे देख लें। आज आपको सारे कष्ट परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, कुछ दिनों से आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, इन दिनों का भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कोई मकान खरीदना, वाहन खरीदना, उसके सुंदर योग बने हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, रिजल्ट अच्छे आने के योग बन रहे हैं। कर्म जितना अच्छा आप करेंगे इस समय आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। घूमने फिरने जाने के योग बने हुए हैं, आपका मन आध्यात्मिक तरफ भी लग रहा है, लाभ भी हो रहा है। बात करें यहाँ आपके लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत सुंदर चल रही है, परंतु यहाँ प्रॉब्लम एक ही है,
कि आप थोड़े से आलसी दिखाई दे रहे हैं, आलस को दूर रखिए और अपने कामों पर फोकस करिए। अब बात करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए दिन मिला जुला है। एक तरफ पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, जिस कारण से आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, मन में अशांति दिखाई दे रही है। आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, वाणी का सोच समझ करके उपयोग करेंगे। परिवार का, माता पिता का, सभी का अच्छे से सहयोग मिल रहा है, रुके हुए काम भी बन रहे हैं, परंतु आपका भाग्य स्लो गति से आपको हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। इस कारणवश आज आपका मन थोड़ा सा खिन्न दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा दिन है। यदि आप टीचर हैं, किसी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ऐसे में आज के दिन का पूरा लाभ उठाएं। यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, गुड न्यूज अवश्य मिल सकती है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिन आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि वालों, आज कल आपके दिन बहुत सुंदर चल रहे हैं, इन दिनों का लाभ उठाइए। आज का दिन भी आपके लिए बहुत आनंदमय है। आज आपको लाभ बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं न कहीं से धनागमन हो रहा है, परिवार का पूरा सदस्य मिल रहा है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। धार्मिक यात्राओं पर जाने का योग बना है, धर्म कर्म पूजा पाठ में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा ले रहे हैं। यदि विदेश जाना चाहते हैं, उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी प्लानिंग दूसरों के साथ शेयर नहीं करें, इस बात को ध्यान रखेंगे। हड्डियों की समस्या दिखाई दे रही है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप भोले बाबा की पूजा करें, और पूजा करते समय आज भोले बाबा के ऊपर काले तिल अवश्य अर्पित करें एक मुट्ठी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए दिन मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है। एक तरफ आपका आज कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। एक तरफ आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ में अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी ओर आज आपकी संतान का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी खटास आने के योग बनते हैं, ध्यान रखें इस बात को। लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी ध्यान रखना है आज। साथ ही यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में आपको नए नए प्रपोजल्स तो मिल रहे हैं, परंतु उतनी ज्यादा आपको सफलता नहीं मिल रही, जिस कारण से आप थोड़े से उदास और टेंशन में भी दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये सारी चीजें सब कंट्रोल हो जाएंगी, केवल आपको अपनी वाणी का सही तरह से यूज करना है। आज आप अपनी वाणी का यूज करके लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करेंगे, लोगों से अपने काम बनवाने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, खुश हो जाइए, आज का दिन आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा है, धनागमन के योग बन रहे हैं, कहीं न कहीं से आपके पास धन आ रहा है, आय के नए नए स्रोत खुल रहे हैं। आज का दिन आपके लिए परिवार की तरफ से भी बहुत अच्छा है, परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं, आप लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, आज आप रोमांटिक डिनर पे या लंच पे जा सकते हैं। साथ ही आज आपको बिजनेस में भी सफलता प्राप्त हो रही है, अपने पराक्रम से आप अपने भाग्य को दिन दुना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। आपके शत्रु भी शांत हो रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा आप दूसरों को अपनी ओर प्रभावित कर रहे हैं। यदि आपको आज किसी अच्छे रिटर्न की अपेक्षा थी, या आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते थे आपके रिजल्ट आपके फेवर में आए, तो आज इन सभी के अच्छे योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आप थोड़े से आज परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, परंतु मेहनत के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिस कारण से आप थोड़े से उदास से लग रहे हैं। पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा हुआ है, भाग्य का साथ थोड़ा धीमी गति से आपको मिल रहा है। प्रेमी जोड़ों की बात करें, तो उनको अपने पार्टनर का साथ तो मिल रहा है, पर किसी न किसी बात को लेकर के यहाँ आर्ग्यूमेंट भी हो रही है। आज आप सभी को अपने वर्क प्लेस पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लोगों का सहयोग सहकर्मियों का कम मिल रहा है। निवेश के लिए आज का दिन काफी सुंदर है। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। एक तरफ आप यदि अविवाहित है, तो आपके विवाह तय होने के योग बनते हैं। आपको चोट चपेट से ध्यान रखना चाहिए, वाहन संभाल करके चलाएं, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है आज आपको कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको बहुत बुरी लग जाए, इस बात का ध्यान रखें।
बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ आपकी उतनी अच्छी आज नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स को लोग समझ नहीं रहे हैं। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आज आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको भी कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। शत्रुओं से आज आप लोहा लेने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना उत्तम नहीं है। यहाँ आपको सर्दी खांसी परेशान कर रही है। छोटे भाई बहन भी आपको थोड़े से परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता का सहयोग मिल रहा है। समाज में आपको मान सम्मान जस प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। रुके हुए काम आपके बन रहे हैं। सरकारी काम से आपके जो रुके हुए थे वो भी आज बन रहे हैं। कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं उसके अच्छे योग बने हैं। शेयर मार्केट से भी आपको आज अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बात करें आप प्रेमी जोड़ों की, तो यहाँ पर आपके लिए दिन मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। रिश्तों में मधुरता तो दिखाई दे रही है, परंतु साथ ही आपके गुस्से की वजह से कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए, इस बात पर ध्यान रखेंगे। वैवाहिक जीवन आप सभी का साधारण है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आ रहा है। बात करें आपके लव लाइफ की सबसे पहले, तो आज आपके लव लाइफ में चार चांद लग रहे हैं। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर बाहर लंच पर जा सकते हैं। या वाहन खरीदना चाहते हैं उसके बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दिन आपका उत्तम है। केवल चोट चपेट से ध्यान रखें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। रुके हुए काम बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। यदि आप अपने विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें सुंदर समय चल रहा है। आपके रिश्ते की बात हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। एक तरफ आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिल रहा है, जिससे आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप हर काम सोच रहे हैं कि आप कर लेंगे और कर भी लेंगे अपने पराक्रम के बलबूते पर। आज आपको कहीं से अच्छी गुड न्यूज भी मिल रही है। रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। दिन आपके लिए काफी अच्छा है। दिन का लाभ उठाएं।